जी बेटा, हम बेटा पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में बेटा टुडे वी हैव अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। एरियल स्टेम हमने पढ़ी, एरियल स्टेम में हमने पढ़ी बेटा रिड्यूस स्टेम, इरेक्ट स्टेम एंड वीक स्टेम, है ना। तो टुडे वी हैव अंडरग्राउंड स्टेम, सुनना आप ध्यान से। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती है? स्टेम विच लाइज, नाम भी बता रहा है कि नहीं? यस, स्टेम विच लाइज बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। सुंदर नहीं है अभी? जो स्टेम बेटा सरफेस सॉइल के नीचे उसको अंडरग्राउंड स्टेम बोल देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, तो क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेम एंड रूट, है ना। सॉइल के नीचे तो बेटा रूट्स भी होंगी, सॉइल के नीचे अगर स्टेम भी है, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट वी वो स्टेम है कि रूट है, है ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यस, सबसे पहले अगर वो स्टेम है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं, तो उस पर रूट कैप एब्सेंट होगी। स्टेम में तो रूट कैप तो हो ही नहीं सकती, है ना। रूट कैप एब्सेंट, रूट हेयर एब्सेंट, है ना। रूट हेयर एब्सेंट हो गए बेटा जी, बहुत ही है। थर्ड, टर्मिनल बड प्रेजेंट होगी। यस, स्टेम में तो क्या होगी? टर्मिनल बड प्रेजेंट होगी कि नहीं? यस, और नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होगी। रूट पे तो होती नहीं, अगर नोड्स एंड इंटर नोड्स है बेटा, नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट, अगर बेटा नोड है इंटर नोड, दैट मींस क्या वो स्टेम है, है ना। नेक्स्ट, स्केल लीफ प्रेजेंट। स्केल लीफ से पता कि नहीं? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ लीफ, रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल लीफ को क्या बोलते हैं बेटा? स्केल लीफ बोल देते हैं। अगर स्टेम अंडरग्राउंड है बेटा, अगर स्टेम अंडरग्राउंड है तो लाइट तो पहुंच नहीं रही वहां पे, तो लीफ रिड्यूस होकर क्या बन जाते हैं बेटा? स्केल लीफ बन जाते हैं। समझा दी क्लियर? अगर लीफ प्रेजेंट है इट मीन्स स्टेम है, रूट पे तो बेटा लीफ लगते नहीं, है ना। नेक्स्ट, नोड्स भी है एक्सिलरी बड, नोड्स के ऊपर क्या लगी होती है? यस, एक्सिलरी बड्स होती है, एक्सिलरी बड्स स्टेम पे है, इट मीन्स वो स्ट्रक्चर स्टेम है। मोर ओवर, यस, स्टेम लाइक अनाटॉमी, अगर अनाटॉमी किससे मिलती है बेटा? स्टेम से, इट मीन्स व्हाट? वो स्टेम है। समझा रही है नहीं यार? अंडरग्राउंड स्टेम है ना बेटा, सॉइल के नीचे तो रूट्स भी होंगी, वहां पे रूट्स भी होंगी, स्टेम भी होगी, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, है ना। हम डिफरेंशिएट कैसे करें भाई? ये स्टेम है या रूट है, है ना। वो जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर रूट कैप एब्सेंट है, रूट हेयर एब्सेंट है, टर्मिनल बड प्रेजेंट है, नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड्स प्रेजेंट है, इट मींस वो स्ट्रक्चर स्टेम है। समझा लिया कि नहीं? इजी हो गया? स्टेम लाइक एनाटॉमी, इट मींस क्या स्टेम है बेटा, है ना। सुनना ध्यान से, चलो अब वन बाय वन देखते हैं। बहुत तरह के बेटा अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। चलो सबसे पहले तो बेटा, यस, फर्स्ट वी हैव सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? सुनना ध्यान से, दीज आर नॉन ग्रीन, दीज आर नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड, यस, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती ब्रांचेस है, डेवलप्ड फ्रॉम दी, यस, डेवलप्ड फ्रॉम दी बेस ऑफ, फ्रॉम दी बेस ऑफ क्राउन। क्राउन का मतलब एरियल शूट। समझा रही है कि नहीं यारी? तलकना नहीं तलकना। एंड कम्स आउट, और बाहर आती है बेटा इन दी फॉर्म ऑफ, इन दी फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट, न्यू शूट। समझा रही है कि नहीं यारी? वो जो बेटा नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, उनको क्या बोलते हैं? सकर्स। दोज ब्रांचेस आर कॉल्ड सकर्स बोलते हैं बेटा। समझा रही है नहीं यारी? इजी होगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिंट हो गया बेटा, क्राइसेंथेमम है। जो एग्जांपल लिख रही बेटा वो जरूर याद रखनी,
समझा रही है तुम्हें, बनाना में, बनाना को बेटा वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता थ्रू सकर्स, बनाना को वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता थ्रू सकर्स, पाइन एप्पल है याद रखनी है ना, ये जरूर याद रखनी है, बनाना का बहुत आता है बेटा, बनाना को वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता थ्रू सकर्स, समझा रही है यारी, जैसे मिनट में बनाऊ स्पोज ये ग्राउंड लेवल, समझा रही है, देखो अब क्या होगा ध्यान से, यहां से क्या बन गई बेटा हॉरिजॉन्टल ब्रांच, क्या बनी है हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, ये स्टेम है कैसे पता चला, इसके ऊपर नोड्स है, इंटर नोड्स है, नोड्स इंटर नोड्स है, मींस क्या है स्टेम है, नोड्स पे क्या लगे हैं स्केल लीव्स, नोड्स पे क्या लगे हैं बेटा स्केल लीव्स लगे हैं, एक्सिलरी बड्स लगी हैं, एंड दिस ब्रांच, दिस अंडरग्राउंड ब्रांच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यस न्यू एरियल शूट, देखा कि नहीं न्यू एरियल शूट, सो दिस अंडरग्राउंड ब्रांचेस क्या बोलते हैं बेटा इसको सक्कर बोलते हैं, समझा रही बेटा, नहीं आ रही जैसे हो गया तो लग रहा, नहीं तो लग रहा, तो अंडरग्राउंड स्टेम है सक्कर से, है ना, चलो नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट वी हैव बेटा राइजोम, सुनना राइजोम क्या है, थिक फ्लैशी पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम कहता है थिक फ्लैशी पेरिनियल अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम, फ्लैशी का मतलब फूड स्टोर की, फ्लैशी मीन्स क्या स्टोर हुआ, यस फ्लैशी मीन्स व्हाट फूड स्टोर कर दिया, थिक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा, समझा रही है कि नहीं आ रही, इजी हो गया, विच फॉर्म विच ग्रो इनडेफिनेटली, सुना जाए विच ग्रोज यस इनडेफिनेटली इन दी सॉइल, इनडेफिनेटली इन दी सॉइल, पेरिनियल है इनडेफिनेटली ग्रो करती है सॉइल, समझा दिया कि नहीं यार, एंड फॉर्म न्यू एरियल शूट्स ड्रॉ करते हैं, एंड फॉर्म न्यू एरियल शूट्स ड्यूरिंग फेवरेबल पीरियड, फेवरेबल पीरियड एंड अंडरगोज पेरिनेशन, एंड अंडरगोज पेरिनेशन एंड अनफेवरेबल पीरियड, समझा रही है नहीं आ रही बेटा, फूड स्टोर किस लिए किया, पेरिनेशन ने फूड स्टोर कर लिया, फूड क्यों स्टोर किया, अनफेवरेबल पीरियड आएगा तो पेरिनेट कर दे, सर्वाइव कैसे करेंगे अगर फूड स्टोर है तो सर्वाइव करेगा कि नहीं, समझा दिए कि नहीं यार, उसको स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा राइजोम बोलते हैं, समझा दिए कि नहीं यार, इजी हो गया, बताता हूँ जैसे जैसे अदरक है बेटा, अदरक देखा है कि नहीं, दिस दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये अदरक है, जिंजर है, ये राइजोम है, क्या है बेटा ये राइजोम, ये ऐसे ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली इन दी सॉइल, समझा रही, इसको काट दिया कि नहीं यहाँ से, ये ऐसे लंबा था, ये ऐसे ग्रो करता है, समझा रही कि नहीं, ये स्टेम है, अब ये राइजोम है, इसमें क्या स्टोर हुआ, फूड स्टोर हुआ, थिक है, फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम कैसे देखो, इसके ऊपर नोड्स होती हैं सर्कुलर, दिख रही है, यस दिख रहा बेटा, इसके ऊपर क्या है देखो, सर्कुलर नोड्स है, नोड्स और इंटर नोड्स, इट मींस क्या ये स्ट्रक्चर, यस दिस स्ट्रक्चर इज क्या, ये स्टेम है, समझा रही है नहीं आ रही, अगर नोड्स अगर दिख रहे हैं ना, सर्कुलर नोड्स है, इंटर नोड्स है, बड्स है, समझा रही कि नहीं आ रही, बढ़ जाए, समझा रही है नहीं आ रही, क्या है बेटा ये स्टेम, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, इजी होगा,
तो ये जो राइजोम है बेटा, सुना ध्यान से, इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, दो तरह का राइजोम, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रोथ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, है ना। एक तो होता है बेटा रूट स्टॉक, एक होता है स्ट्रगलिंग, सुनना बेटा ध्यान से, है ना। रूट स्टॉक में क्या होता है, राइजोम इज वर्टिकल और ऑब्लिक, एंड टिप, सुना ध्यान से, एंड टिप ऑलमोस्ट रीचेस टू द सरफेस, टिप ऑलमोस्ट रीचेस टू द सरफेस, समझा नहीं आ रही, इजी होगा। यूजली क्या होता है बेटा, यस यूजली रूट स्टॉक अनब्रांच होता है, ध्यान रखना, यूजली रूट स्टॉक राइजोम क्या होता है, अनब्रांच, एक्सेप्टेड एक्सेप्शन बीइंग बनाना, ये एग्जांपल नहीं है, एक्सेप्शन है, समझा रही कि नहीं आ रही, इजी हो गया। जैसे एग्जांपल रूट स्टॉक किसमें मिलता है, ड्रायोप्टेरिस में, फोन है ना, ये स्पोज ये ग्राउंड लेवल है, थिक फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा, कैसे ग्रो कर रहा है, ऑब्लिक ग्रो कर रहा है कि नहीं, थिक है बड़ा, इसके बेस पे क्या होती है बेटा, लोअर साइड पे एडवांटेजियस रूट्स होती है, यस, लोअर एंड पे क्या होती है बेटा, स्टेम से रूट बन रही है, कौन सी होगी, एडवांटेजियस रूट्स, समझा भी कि नहीं आ रही। फेवरेबल सीजन में क्या बनेगा बेटा, इसे एरियल शूट बननी शुरू हो जाती है, क्या बनती है, नहीं एरियल शूट, समझा रही है, इजी हो गया। सो दीज आर, ये क्या होगा, रूट स्टॉक, समझा रही है, अनब्रांच होता है, एक्सेप्शन बीइंग बनाना, समझा रही है, अगर वर्टिकल है तो रूट स्टॉक है, अगर हॉरिजॉन्टल है ना, हियर राइजोम है जो इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, जैसे ये जिंजर है ना, ये ऐसे नहीं ग्रो करता, ये ऐसे ग्रो करता, समझ रही है, नहीं आई, इजी हो गया। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हॉरिजॉन्टली, यूजली क्या होता है बेटा, यस यूजली ब्रांच होता है, यूजली क्या होता है बेटा, ये ब्रांच होता है, स्ट्रगलिंग टाइप ऑफ राइजोम इज यूजली ब्रांच, समझा रही कि नहीं आ रही। अब ब्रांचिंग, यस डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ब्रांचिंग है, यस रेसमोस है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, रेसमोस में एक्सिस क्या होती है, मोनोपोडियल, याद आ रहा, नहीं आ रहा, रेसमोस में एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या होती है, मोनोपोडियल होती है, जैसे एग्जांपल याद रखनी है, लोटस है एंड शुगर की, शुगर केन को सैकेरम भी बोल देते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, सैकेरम ऑफिसिनेरम, समझाने के लिए यार, शुगर केन रेसमोस है, या फिर यूनिपैरासाइमोस, क्या बेटा, यूनिपैरासाइमोस, समझाने के लिए यूनिपैरासाइमोस में क्या है, सुनना, यूनिपैरासाइमोस में क्या है, यस हियर वी हैव जिंजर, here we have ginger and turmeric, here axis uniparous में axis क्या होती है, axis is sympodial axis, याद है, axis क्या होती है बेटा, here axis is sympodial, racemos में axis monopodial, cymos में uniparous है तो sympodial, याद आ रहा है, biparous और multiparous में क्या थी, multipodial, याद रखनी है बेटा। लोटस में भी राइजोम होता है, शुगर केन में भी राइजोम होता है, जिंजर है, टर्मरिक है ना, बनाना है, देखो बनाना, ये मैंने क्या लिखा है, एंड फॉर्म न्यू एरियल शूट ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन एंड अंडरगोज पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड। अब जैसे बनाना में भी है, अब आ गया क्वेश्चन, सुना ध्यान से, क्वेश्चन आ गया बेटा, बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड, सुना ध्यान से, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड propagated
थ्रू है ना। सपोज ए ऑप्शन आ गया शक्कर, बी ऑप्शन आ गया राइजोम, सी ऑप्शन आ गया ट्वाइनर, डी ऑप्शन आ गया बल्ब। तो आंसर क्या करना है? शक्कर। राइजोम और शक्कर में आंसर क्या करना है? शक्कर आंसर करना है बेटा। अगर शक्कर नहीं है तो राइजोम कर देंगे, अगर दोनों में से एक आंसर करना है तो क्या करना है? शक्कर आंसर करना बेटा जी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर शक्कर ऑप्शन ही नहीं है, यहां पे ट्यूबल है, तो आंसर क्या कर देंगे? राइजोम। तो लग रहा नहीं क्या लग रहा? दोनों में से अगर एक आंसर करना है तो आंसर क्या करना है? बनाना को बेटा वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता है यूजली थ्रू शक्कर। समझ आ रही है? नहीं आ रही? ध्यान रखना बस, क्वेश्चन बच्चे गड़बड़ करते हैं थोड़ा, है ना। उनको लगता है राइजोम में एग्जांपल पढ़ लेते हैं तो लगता है अभी राइजोम ही है, राइजोम पेरिनेशन में ज्यादा है। समझा लिया? फूड स्टोर किया नहीं, मेन फंक्शन क्या है? इसने फूड स्टोर कर लिया, फ्लैश ही है। फूड क्यों स्टोर की है ना? पेरिनेशन पता लग रहा नहीं पता लग रहा? जीजो हाँ, अगर फेवरेबल पीरियड है तो नए प्लांट भी बना देता है। समझा रही नहीं यार? शक्कर का मेन काम ही क्या है? वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन। समझा रही नहीं यार? चलो नेक्स्ट आप बेटा फिर, यस हम बात करते हैं ट्यूबर। थर्ड इज ट्यूबर, आराम से पढ़ना है, कोई ज्यादा बात नहीं। ट्यूबर होता है बेटा पोटैटो में, सुना है? भी है, यस पोटैटो। सोलानम ट्यूबरोसम, पोटैटो को क्या होता है ट्यूबर? इट्स अ थिक फ्लैशी ओवल और स्फेरिकल। ओवल होता है नहीं, आलू देखा कि नहीं? ओवल और स्फेरिकल अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। समझा नहीं करी यारी? पता लग रहा है? जैसे सुनना ध्यान से, दिस इज व्हाट वी हैव, देख रहा है? ये क्या है बेटा? ट्यूबर है। सुनना ध्यान से, क्या ये ट्यूबर है? इसके ऊपर ब्राउन स्किन है ना ये? यस, क्या है ये बेटा? ब्राउन स्किन है। ये जो ब्राउन स्किन है इसको उतारते हैं, ये जो ब्राउन स्किन है बेटा ये होता है, ये कॉर्क होती है। समझा रही है? ये देखो ये ब्राउन स्किन उतरी है ना, ये जो ब्राउन स्किन उतारी है बेटा ये क्या है? एक कॉर्क होती है। समझा रही कि नहीं आ रही? इट इज कवर्ड बाय, यस कवर्ड बाय कॉर्क। समझा रही? कॉर्क की स्किन होती है बेटा इसके ऊपर। समझा रही कि नहीं आ रही? कॉर्क की स्किन के ऊपर पोर्स हैं। क्या होते हैं? ध्यान से देखना घर में, अगर दिख रहा कि नहीं इसके ऊपर क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं। कॉर्क की स्किन है कि नहीं? विच बियर स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। याद है? ट्यूबर है बेटा जी, दिख रहा ना? इसकी जो स्किन उतार दी ब्राउन जो स्किन उतारी है, क्या है? कॉर्क की स्किन है। उसके ऊपर क्या होता है? स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ध्यान से देखना। यस हियर यू कैन सी इजली, दिख रहा ना? छोटे छोटे पोर्स हैं ये जो बेटा, छोटे छोटे पोर्स हैं, दिख रहे नहीं ये वाले? इसको क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स किसके लिए? फॉर गैशियस एक्सचेंज, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझा लिया कि नहीं? यानी गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या लग गया बेटा? लेंटिसेल्स लग गया। सुनना ध्यान से, बिसाइड्स इसके ऊपर क्या होती है बेटा? स्मॉल डिप्रेशन है। इसके ऊपर क्या है? स्मॉल डिप्रेशन है बेटा, कॉल्ड आइस। क्या बोलते हैं उसको? आइस बोलते हैं। देखो मैं बोलूंगी, दिस इज वॉट वी हैव पीपल। समझा रही? ट्यूबर की जो स्किन है, कॉर्क की स्किन, ये क्या होती है? कॉर्क। इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा? ऐसे स्मॉल डिप्रेशन है, ध्यान से देखना है। डिप्रेशन है कि नहीं? एक तो बेटा पोर्स है, एक तो क्या है यहाँ पे? पोर्स है। दीज पोर्स आर, पोर्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? लेंटिसेल्स। ये जो डिप्रेशन है अंदर, यस these depressions are called eyes।
को क्या बोलते हैं बेटा, आइस बोल देते हैं। दिख रहा था, दिखाऊं देखो, ध्यान से देखो, ये वाला देखो, हेयर भी है, सर्कल कर दो, दिख रहा है, हेयर भी है, दिस समझा नहीं आ रही, डिप्रेशन देना, देखो हेयर भी है, डिप्रेशन है क्या बेटा, आईज, क्या बोलते हैं इनको, आईज, आईज व्हाट आई रिप्रेजेंट द नोड, आईज किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, नोड्स को, समझा नहीं आ रही, अगर मैं आईज आईज ड्रॉ करूं साइड, समझा नहीं आ रही, आई क्या रिप्रेजेंट करती है, नोड को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, इस पे बर्ड्स लगी होती है, यस, नोड के ऊपर क्या लगती है, बर्ड्स, समझा नहीं आ रही, अगर नोड है बेटा तो नोड पे लीव्स भी लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लीव्स, तो इसके ऊपर लगा होता है बेटा स्केल लीफ, यस, अगर ध्यान से देखोगे मेम्ब्रेनस लीफ होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्केल लीफ, स्केल लीफ के एक्सिल में क्या है बेटा, एक्सिलरी बड, यस, दिस इज वी हैव एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड के साथ आपको दो तीन बड्स और दिख जाएंगे, यस, एक्सिलरी बड के साथ वाली बड्स क्या होती है, एक्सेसरी बड्स, याद है कि नहीं, दीज आर एक्सेसरी बड्स, इट मींस व्हाट, इट मींस व्हाट, इट मीन्स वॉट, दिख रहा है, इट मीन्स वॉट, ये क्या है बेटा, नोड्स है, नोड्स इंटर नोड्स है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, स्टेम है, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेम, समझा रही है नहीं यारी, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेम बोल देते हैं, समझा रही है नहीं यारी, इजी होगा, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेम, आइडिया होगा बेटा, नहीं हो गया, पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, इजी है, देखो समझा रही है नहीं यारी, so this is what, this is we have tuber, tuber क्या है बेटा, ये underground stem है, समझा दी कि नहीं यारी, easy होगा, पढ़ लोगे बेटा, समझा दी, चलो तो आज बेटा हम इतना ही करते हैं, ठीक है, लाइट चली गई बेटा, ठीक है, तो पहले आप इतना ही करो, आज हमने बात की है बेटा किसकी, शक्कर की, राइजोम की या ट्यूबर की, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, दो स्ट्रक्चर हो रहे हैं बेटा अंडरग्राउंड, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, आज इतना ही करो अच्छी तरह से, ओके धन्यवाद।